આગળ વધીએ અને વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે હવે સેન્ચુરી પ્લાયના ઈડી કેશવ ભજનકા જોડાઈ ગયા છે. કેશવજી, સબસે પહેલે તો સ્વાગત હે આપકા સીએનબીસી બજાર પર. ગુડ આફ્ટરનૂન. ઓર એક ચેલેન્જિંગ તિમાહી રહી હે હમારે લીએ, ઓર આઈડિયલી મોનસૂન જો સીઝન રહેતા હૈ વો સીઝનલ પ્લે કે હિસાબ સે હમ દેખે તો યહી સારા રિફ્લેક્શન જો હૈ વો આતા હૈ યહાં પર. તો બતાઈએ સર, કૈસે દેખે આપને નંબર્સ, ઓર ઉસકે બાદ હમ ડિટેલ મેં ચર્ચા કી શરૂઆત કરે. देखिए क्वार्टर टू में मेरे हिसाब से ग्रोथ काफी अच्छा रहा है. हमने डबल डिजिट ग्रोथ दिया है पूरे कंपनी के लिए, जबकि आपको पता है काफी इन्फ्लेशनरी माहौल था पूरे देश में, पर्टिकुलरली बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स में. मार्जिन्स जो आप देख रहे हैं, हमने एक्चुअली मार्जिन्स इम्प्रूव किया है. ये 17.3% की बेटा मार्जिन आई है लास्ट क्वार्टर में. हमने वन ऑफ एक इम्पेयरमेंट का राइट ऑफ लिया है हमारी म्यांमार सब्सिडियरी के लिए, तो उसके कारण मार्जिन्स थोड़े डिप्रेस दिख रहे हैं एट अबाउट 13.7%, बट एक्चुअल मार्जिन्स 17.3% पे है. तो पूरे बिजनेस माहौल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. अब सर, जैसे हमने देखा है आइडियली ये हमारा जो तिमाही रहता है, सेकंड तिमासिक जो रहती है, वो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा असर तो रहने मिलता ही है. डिमांड सिनेरियो के बारे में समझाइए सर अब यहाँ से आगे, क्योंकि दिवाली, दिवाली के बाद का माहौल, फेस्टिवल सीजन, उसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. तो इसके बारे में समझाइए सर डिमांड सिनेरियो. बिल्कुल, आप 100% करेक्ट है. और अभी आप रियल एस्टेट के नंबर्स भी देखेंगे, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के सेल्स के, तो नंबर्स काफी तगड़े हैं. गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत बुलिश हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में डिमांड स्ट्रांग रहेगा. ऑन ग्राउंड लास्ट क्वार्टर में भी डिमांड अच्छा था, बट इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण परचेसिंग डिसीजन थोड़े डिले हो रहे थे. तो अब जब आप देख रहे हैं कि लोहे में मंदी आ रही है या सीमेंट में मंदी आ रही है, बाकी बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स के दाम थोड़े गिर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर डिमांड स्ट्रांग रहेगा. डेफिनेटली, तो सेकेंड हाफ में डिमांड स्ट्रांग होने की उम्मीदें हैं. रॉ मटेरियल चैलेंजेस के बारे में थोड़ा समझना चाह रहा था. इनपुट जो सप्लाई होता है उसके बारे में सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो फेस कर रहे हैं. जहां तक हमारी बात है वुड वगैरह की, अगर हम बात करते हैं, कैसे चैलेंजेस और हैं, और प्राइस आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा असर है इन्फ्लेशन का यहाँ पर? ऑलरेडी हमने हाइक्स किए होंगे प्रोडक्ट्स में, तो और कोई चांसेस हैं कि पास ऑन करना पड़ेगा? और पिछले एक साल में हमने काफी अग्रेसिव प्राइस हाइक्स किए हैं. जो भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे हमने सारे पास ऑन किए, और इसी की वजह से मार्जिन अभी भी अच्छे हैं. लेकिन देखिए, अगर मैं मेन प्रोडक्ट्स में ब्रेक करूं तो टिम्बर और केमिकल दो टाइप के रॉ मटेरियल हैं जिसमें बहुत तेजी आई थी. टिम्बर में अभी भी प्राइसेस थोड़े हाई हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में प्राइसेस अभी भी इन्फ्लेटेड लग रहे हैं. लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में टिम्बर प्राइसेस थोड़े घट रहे हैं और केमिकल प्राइसेस थ्रू आउट घटे, और काफी घटे हैं पिछले 3 से 6 महीने के अंदर. तो इसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली आगे दिखेगा. मुझे लगता नहीं है कि और कोई भी प्राइस इंक्रीज लेने की जरूरत पड़ेगी, और जैसे केमिकल प्राइसेस थोड़े रिड्यूस करते हैं वैसे ही मेरे हिसाब से मार्जिन भी बढ़ने चाहिए. ओके सर, अब कैपेसिटी का क्या यूटिलाइजेशन है वो समझाइए थोड़ा सा, और कोई कैपेक्स की योजनाएं आने वाले वक्त में? हमारे सारे सेगमेंट्स में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छी है, लेकिन एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में हम ऑलरेडी करीब करीब 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं. एमडीएफ में जैसे आप जानते हैं हमने ऑलरेडी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है जो कमीशन होने वाला है दिसंबर के महीने के अंदर, जो हमारी 350 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी एडिशनल होशियारपुर में आ रही है. सेकेंड कैपेसिटी एक्सपेंशन हम आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर H2 तक आ जानी चाहिए. ये 950 क्यूबिक मीटर की एक्सपेंशन होगी. इसको छोड़ के पार्टिकल बोर्ड में हमने अभी डिसीजन लिया है विद द बोर्ड अप्रूवल टू सेट अप 1200 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये प्लांट FY25 के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए. ओके, तो ये बात रहेगी. और इसके लिए कोई डेट की योजना है, और कैश फ्लो कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? हमारी कैश फ्लो जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा है, तो मुझे लगता नहीं है हमें कोई भी मीनिंगफुल डेट लेना होगा. हाँ, अगर कैश फ्लो मिसमैच रहा है एक दो क्वार्टर के लिए तो शायद हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेट फॉर से 6 मंथ्स और ईयर लेना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कोई भी मीनिंगफुल डेट बुक पे नहीं लेना होगा. ठीक है सर. इसके अलावा अभी जो रिटेल प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली
नए नए एक्सपीरियंस सेंटर्स वगैरह जो हैं इसके बारे में अगर हम देखें, अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। तो ओके, मैं आपके पास सर 2 मिनट में आऊँगा। અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તસવીર, અત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, અત્યારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, જેઓએ ઘાટલોડિયા બેઠક માટે પોતાનું ઉમેદવારી પત્રક તેઓ ભરી રહ્યા છે, વિજય મુહૂર્ત 12:40, અને આ વિજય મુહૂર્તમાં તેઓ અત્યારે ઉમેદવારી પત્રક ભરી રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ખુદ ત્યાં હાજર છે, અને જેમ અમારી સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં ગૃહમંત્રીએ કહેલું હતું કે આવતી ટર્મમાં પણ, એટલે કે જો આવે નેક્સ્ટ સરકાર બને છે તો તેમાં પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ જ મુખ્યમંત્રી રહેશે। તો એ જ સ્થિતિની સાથે આ તમારા સ્ક્રીન પર તેમને પોતાનું ઉમેદવારી પત્રક અત્યારે સબમિટ કરી રહ્યા છે। તો આ એક મેજર ઇવેન્ટ આ ઇલેક્શનની કે જેને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ। કેશવજી, ફિર સે એક બાર મેં વાપિસ આના ચાહૂંગા આપકે પાસ। રિટેલ પ્રેઝન્સ કે બારે મેં બાત કરના ચાહ રહા થા, જો ડીલર્સ કા હમારા જો નેટવર્ક હૈ ઉસકે સાથ સાથ રિટેલ સ્ટોર્સ ભી આજકલ બહોત ટ્રેન્ડી હૈ, બ્રાન્ડ સ્ટોર્સ જો હૈ વો, ઇસકે બારે મેં આપ ક્યા ડેવલપમેન્ટ, ક્યા યોજના હૈ આપકી ઓર સે? देखिए, हमारे ट्रेड में रिटेल नेटवर्क बहुत वाइड रहता है। जैसे आप देखेंगे, लैमिनेट्स में हमारे पास 20,000 से अधिक रिटेलर्स हैं। तो डेडिकेटेड रिटेल स्टोर्स अभी तक हमने सोचा नहीं है। हम शोरूम्स खोल रहे हैं। हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे सेंचुरी अरीना शोरूम्स और लार्ज स्केल शोरूम्स कुछ शहरों में, जैसे हमने मुंबई में स्टार्ट किया है, दिल्ली में स्टार्ट किया, कलकत्ता में स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कस्टमर को एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए हम शोरूम्स बना रहे हैं, बट वो शोरूम से सेल नहीं होता है। जो सेल है वो अभी भी हमारे रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ही होता है। ओके सर, अच्छा अभी जो करंट वर्किंग कैपिटल है वो कितने दिन के हिसाब से आपको चल रहा है, और क्या आपको लगता है इसमें आगे कोई कमी होने के चांसेस हैं? लास्ट क्वार्टर के अंदर भी हमारे वर्किंग कैपिटल में करीब 3 दिन का इम्प्रूवमेंट आया था, और पिछले कुछ सालों से हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस लेवल पे हम हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 53-54 डेज है, उसी के आसपास चलेगा। मुझे इससे और बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, बट डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी, और इसे तो हम डेफिनेटली मेंटेन करने की पूरी चेष्टा करेंगे। ओके सर, रेवेन्यू मिक्स में अगर हम देखें, एमडीएफ है, प्लाई है, वीनियर है और लैमिनेट्स, अगर सबके हिसाब से हम देखते हैं रेवेन्यू मिक्स में आने वाले वक्त में कोई परिवर्तन, किस हिसाब से देखते हैं इसको? देखिए, हमारे सारे सेगमेंट्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑल अक्रॉस रहेगा। लेकिन पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ में आगे जाके नई कैपेसिटीज आ रही हैं, जो काफी लार्ज कैपेसिटीज है। एमडीएफ में हम 600 क्यूबिक मीटर से 1900 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएंगे बिफोर द एंड ऑफ FY24, और बिफोर द एंड ऑफ FY25 पार्टिकल बोर्ड में हम 300 से 1500 पे पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली परसेंटेज में शायद पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ का थोड़ा परसेंटेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो अभी बोलना मुश्किल है, कि ट्राईबोर्ड और लैमिनेट में भी हम काफी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, डेफिनेटली। तो सारे मुद्दों पर हम जरूर ध्यान रखेंगे। केशव जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आपने बात करी सेंचुरी प्लाइना ईडी केशव भजन का, आपकी सारे जुड़ाया था, अने તેમના તરફથી પર્ફોમન્સ આ વખતે એક વન ઓફ તેમનું જે પેમેન્ટ હતું એ તેમણે ક્લિયર પણ કર્યું, તો એના કારણે થઈને સ્વાભાવિક માર્જિન્સ પર અસર છે, પણ બાકી કોઈ સ્થિતિ એવી કંઈ ખાસ બનતી નથી। સ્ટોકમાં આજે તમને જોવા મળશે ન્યૂનતમ સ્તર ઉપર અત્યારે કારોબાર ત્યાંથી ઉપર આવવાની કોશિશ શેર કરી રહ્યો છે, કે જેને તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો। સારી સારી તસવીરો પણ તમે નિહાળી રહ્યા છો, અત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે અત્યારે ખાસ ઉમેદવારી પત્રક ભર્યું છે, જેની તસવીરો તમારા સ્ક્રીન પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ સાથે જોવા મળી રહ્યા છે। માર્કેટ પ્રયોજકો, સીમિત દાયરામાં કારોબાર, કોઈ જ મેજર પરિવર્તન નથી, તો એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે, બ્રેક લઈશું, બ્રેક બાદ પાછા ફરી અને હિન્દવે